गुजरात में लोनी बॉर्डर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिल के अलावा अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो यह गैंग पिछले काफी समय से दिल्ली NCR में सक्रिय था और पलक झपकते ही ये दो पहिया वाहनों को मास्टर चाबी से खोलकर बड़ी आसानी से फरार हो जाता था। उसके बाद उन्हें एक एक कर दूर दराज इलाके में बेचकर ठिकाने लगाने का काम किया करता था। सर, ये दो मोटरसाइकिल जो पकड़े गए, क्या मामला है पूरा? ये जो रूटीन में हमारी चेकिंग होती है संदिग्ध व्यक्ति वाहनों को, तो चेकिंग के दौरान आज दो अभियुक्त पकड़े गए। उनकी निशानदेही पर लोनी बॉर्डर पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल बरामद किया है जो कि शातिर किस्म के चोर हैं और मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। उसमें एक सावन है जो छपरौली बागपत का रहने वाला है और एक मोहन कुमार है। ये सावन मोटरसाइकिल चोरी में एक्सपर्ट माहिर है, शातिर चोर है और उसको कौन कोई मोटरसाइकिल चोरी करके भेज देता था जिसका पार्ट करके वो भेजता था। सर, ये कहाँ से चोरी कर देता मोटरसाइकिल? इसमें जो 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं उसमें साहिबाबाद से भी मोटरसाइकिल कनेक्ट हुई है चोरी की, दिल्ली थाने से भी हुई है, लोनी बॉर्डर से भी कनेक्ट हुई है और जानकारी की जाएगी और इसमें जो भी शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की।